नमस्कार दोस्तों, देसी फाइव स्टार में आपका स्वागत है और आज हम पेश है अपनी एक नई रेसिपी के साथ। आप सभी ने कभी ना कभी तो चने की दाल ज़रूर खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी चने की दाल के बने हुए लड्डू खाए हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए आज हम आपको वही टेस्ट करवाते हैं। अगर इंग्रीडियंट्स की बात कर ली जाए तो इस रेसिपी में हमने सबसे पहले 1 कप के करीब चने की दाल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ध्यान रखें कि हमें दाल को बहुत ही अच्छी तरह से धो लेना है। 4 से 5 बार दाल को धोने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा साफ आ रहा है। तो अब हम इस कंडीशन में एक बार दाल को आखिरी बार चेक कर लेंगे कि हमारी दाल में किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। अब हम इसे ढककर कम से कम 8 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 8 से 12 घंटे भिगाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो पहले से ज़्यादा फूल चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसका एक दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। मिक्सी को हमने यहाँ पर रोक रोक कर चलाया था। आप चाहे तो इसका एक स्मूथ पेस्ट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि यहाँ पर पानी ना डालें। अब हम इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फ्राई करने के लिए आप इसे लड्डू भी बना सकते हैं या फिर वीडियो में आगे दिखाए अनुसार भी इसे फ्राई कर सकते हैं। पेस्ट को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हम कढ़ाई में खूब सारा तेल डाल देंगे। अब हम इस तेल को मीडियम से हाई आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। पेस्ट को तलने के लिए हमने यहाँ पर चम्मच का इस्तेमाल किया है। हम चम्मच में थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और सीधा ही इसे तेल में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर शेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में हमें तलने के बाद इसे ग्राइंड ही करना है। अब हम ऐसे ही इसमें थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट डाल देंगे और इसे तलने के लिए छोड़ देंगे। अब इस स्टेज पर हम अपने पेस्ट को अच्छी तरह से हिला हिला कर पकाएंगे ताकि इसके अंदर का कच्चापन भी खत्म हो जाए और ये चारों तरफ से बराबर मात्रा में पक जाए। तकरीबन 2 मिनट तक पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और अपना सेकेंड बैच भी डाल देंगे। अब हमारा सेकेंड बैच भी बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सारी मूंग दाल जो है तलकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी मूंग दाल का पेस्ट ठंडा हो रहा है तो चलिए तब तक अपनी जो चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने यहाँ पर 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी का भी इस्तेमाल किया है। अगर आपको लगता है कि आपकी चीनी में थोड़ी सी भी गंदगी है तो इस स्टेज पर आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 के करीब इलायचियों का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे और चीनी को घुलने के लिए गैस पर छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चने की दाल का पेस्ट ठंडा हो चुका है, तो चलिए आइए अब इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद हमारी चने की दाल कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चीनी भी घुलकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। एक तार वाली चाशनी बनने के बाद अब हम इसे ठंडी करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी जो है ठंडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसमें अपनी चने की दाल का पेस्ट मिला लेते हैं। यहाँ पर दाल को हम थोड़ा थोड़ा कर ही मिलाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें 1/2 दाल डाल देंगे और उसे चाशनी के साथ एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें अपनी बाकी की बची हुई दाल का मिक्स भी डाल देंगे
और उसे भी अब चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारा मिक्सचर अपनी चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इस स्टेज पर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद अब आप देखेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पर हम इस मिक्सचर से वीडियो में दिखाए अनुसार लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर के साथ लड्डू ना बनाकर इसकी बर्फियाँ भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्लेट को ग्रीस करके उसमें इस मिक्सचर को फैलाकर रखना होगा और मिक्सचर के ठंडे हो जाने के बाद इसे काट लेना होगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमने इस मिक्सचर के साथ लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी 5 स्टार को। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।